आदाब नाज़रीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सबका खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। ब्राइट लैंड डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक जो लंगर हाउस अपोजिट बाबू घाट मेन रोड पर वाक़ है, यहाँ पर आपको बेहतरीन और तजुर्बेकार डॉक्टर्स मिलेंगे, जैसे डॉक्टर सानिया रियाज, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए कई अकसाम के मशीन्स है जो आपकी बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। डॉक्टर आयशा माने, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट जो बच्चों के लिए बेहतरीन डॉक्टर है और तजुर्बेकार भी है, और बच्चों के लिए तमाम वैक्सीन अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर रेडियोलॉजी, ENT, ऑप्थाल्मोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी के लिए माहिरीन डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर इनॉग्रल ऑफर में लेबोरेटरीज में 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है और फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं अलग अलग पैकेजेस पर। आइए नाज़रीन सुनते हैं मजीद तफसील डॉक्टर सानिया रियाज और आयशा माने की जुबानी। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाई, आई एम डॉक्टर सानिया रियाज, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट इन ब्राइट लैंड्स डायग्नोस्टिक्स एंड क्लिनिक्स लोकेटेड एट लंगर हाउस ऑपोजिट टू बापू गार्डन्स मेन रोड। मैडम, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आप क्या क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स। कॉस्मेटोलॉजी में देखिए, हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे स्किन रिलेटेड कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट एंड हेयर रिलेटेड है। स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स रहते हैं, जैसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स है, एंटी एक्ने ट्रीटमेंट्स है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है। ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड हैं मेनली। एंड ट्राइकोलॉजी में व्हाट वी हैव कम अक्रॉस इज, सी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स व्हाट वी सी इन ट्राइकोलॉजी, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ के लिए ट्रीटमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रोजेनिक प्रॉब्लम्स लाइक एलोपेशिया प्रॉब्लम्स, जैसे आप बाल्डनेस प्रॉब्लम बोलते हैं, उसके लिए भी हम लोग के पास ट्रीटमेंट्स हैं। ट्राइकोलॉजी में आपके पास क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसीजर्स इन ट्राइकोलॉजी, हेयर फॉल के लिए देखिए PRP, जनरली वी स्टार्ट अप विद मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद वी गिव, जनरली पेशेंट्स को स्लो रिस्पॉन्स है, फास्टर ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग PRP करके ट्रीटमेंट्स रहते हैं, स्टेम सेल्स, PRPs, हेयर ग्रोथ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स यूज़ करके उसको ट्रीटमेंट करते, एंड एट द एंड इससे रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, वी कैन इवन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशंस। मैडम, जैसे कि अभी विंटर सीज़न आने वाला है, तो विंटर सीज़न में अक्सर देखा जाता है सोया सॉस जैसे बीमारियां होती हैं, तो इसके बारे में आप लोगों के पास कुछ स्पेशल है? यस, विंटर सीज़न में सोरियासिस, एक्जिमा इज़ द वेरी कॉमन स्किन प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट यू नो 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल अंडरगो। सो द केयर टू बी टेकन इन विंटर सीजन इज डेफिनेटली गुड मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन इज़ नीडेड एंड प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपने पास सोरियासिस एंड एक्जिमा रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड कितना सिवियर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स रहते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे? देखिए, कमिंग टू लेजर्स, लेजर्स में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लेजर्स है, जैसे लेजर हेयर रिडक्शन के लिए वी यूज डायोड लेजर्स, ट्रिपल वेवन, क्वार्टर वेवन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स, एंड टैटू रिमूवल के लिए डिफरेंट लेजर्स, क्यू स्विच लेजर करके टैटू रिमूवल के लिए उसके वो टाइप ऑफ लेजर में, एंड नॉट ओनली टैटू रिमूवल, अ क्यू स्विच लेजर इज कम्प्लीटली हाई एंड लेजर, एंड इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे टैटू रिमूवल्स है, लेजर टोनिंग, एंटी एजिंग के लिए टाइटनिंग भी कर सकते हैं, एंड मेनली फॉर वी हैव डिफरेंट अनदर लेजर इज CO2 लेजर, CO2 फ्रैक्शनल CO2 लेजर फॉर स्कारिंग के लिए, वी हैव अनदर लेजर मशीन हाइड्रोफेशियल, ऑक्सीजिनो हाइड्रोफेशियल इज एन अपडेटेड हाइड्रोफेशियल वेर इन स्किन रिजुविनेशन बहुत अच्छा तरह से होता है उसमें। सो नाउ लेजर्स आर एक लेजर नहीं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशंस। ये देखिए, दिस इज एन ऑक्सीजिनो हाइड्रोफेशियल मशीन, इससे क्या है, जनरली क्लेंजिंग, टोनिंग एंड हाइड्रेटिंग के सिवाय वी हैव एन ऑक्सीजिनो कॉम्पोनेंट वेर इन इट इज, इट विल हेल्प रीसर्फेसिंग द स्किन टेक्सचर। इट इज़ अ हाई एंड मशीन वेर इन मतलब हम लोग को जो वाइटनिंग इफेक्ट है एंड द लाइटनिंग इफेक्ट, ब्राइटनिंग इफेक्ट, इट हैज़ वेरी गुड लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट अपार्ट फ्रॉम जस्ट क्लेंजिंग एंड हाइड्रेटिंग द स्किन। सो ये वाला इट इज़ फार 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 बेटर जस्ट दैन अ नॉर्मल
क्लीन अप और अ हाइड्रोफेशियल. सो इट इज़ कम्प्लीटली हाई एंड हाइड्रोफेशियल विथ ऑक्सीजन. FDA अप्रूव्ड क्यू स्विच मशीन वेर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक टैटू रिमूवल, लेजर टोनिंग, एंटी एजिंग, टाइटनिंग, ये सब इसमें होते हैं. मतलब दिस इज़ क्यू स्विच में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स. ये जो है ना हम लोग के पास FDA अप्रूव्ड एंड हाई एंड क्यू स्विच है, जहाँ पे यू नो फर्स्ट सिटिंग से ही आपको चेंज अच्छे तरह से, मतलब लाइटनिंग इफेक्ट एंड यू नो टोनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा से होता है. दिस इज डॉक्टर आयशा मालिन. आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट. सो आई एम नाउ वर्किंग एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट इन ब्राइटलैंड्स डायग्नोस्टिक्स एंड क्लिनिक्स, विच इज़ located near Bapu Ghat, opposite Bapu Ghat. So we have all specialties of clinics. We have experienced doctors in various fields like starting from general medicine, radiology, ENT, ophthal, gastroenterology, urology, and radiology and dermatology. So coming to my branch, so we have all the facilities like OPDs for the basic newborn care from zero, like at birth, from the birth to till 18 years, we have well baby clinics and vaccinations. All the vaccines, we have optional and essential vaccines available here, and daycare facilities are all available, and antenatal counseling, because I am a pediatrician and neonatologist who work as a completed my neonatal fellowship. So any antenatal mothers who have any abnormalities in the ultrasounds and the antenatal scans, we can have a counseling and follow-up of the high-risk babies also. These facilities are available in our hospital. And other things like nebulization facilities, and we have a well-equipped diagnostics. So here we are very well-equipped with the taking the blood samplings in the newborns and the pediatric children also, because taking the samples in pediatric age group will be a little bit difficult. So here we have a well-equipped team so that we can go for the investigations, starting from x-ray, blood investigation, CT, ultrasounds are available here. Thank you.